हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं नेंसी बोजिद्रा। छोटे बच्चे जैसे ही बड़े होते हैं तो उसको पिंपल आना शुरू हो जाते। पिंपल से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि कई बार तो डॉक्टरों के पास इलाज कराने चले जाते हैं और हेवी एंटीबायोटिक भी लेते हैं। पिंपल्स को छुपाने के लिए कितनी सारी क्रीमों का यूज़ करते हैं, कई कॉस्मेटिक भी यूज़ करते हैं कि किसी तरह से हमारे पिंपल्स ना दे। तो कभी कभी तो क्या होता है दोस्तों कि उसका उल्टा रिजल्ट हो जाता है कि पिंपल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई लोग तो पिंपल्स ना दिखे इसीलिए पिंपल को फोड़ देते हैं या फिर उसको खरोच लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि वहाँ बहुत ही बड़ा खड्डा पड़ जाता है या फिर दाग धब्बे रह जाते हैं जिसमें दूर होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो आज मैं आपको इन सभी परेशानियों के लिए ऐसा नुस्खा बताऊंगी, जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके चेहरे पर पिंपल हो जाते हैं, पिंपल्स फोड़ने के बाद आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हो जाते हैं, तो इन सभी परेशानियों से आप राहत पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एलोवेरा प्लांट में से एक एलोवेरा लेना है और उसमें से हमें एक चम्मच एलोवेरा लेना है और दूसरा हमें लेना है ताजे नीम की पत्तियां और उसकी हमें चटनी बना देनी है और तीसरा हमें चाहिए एक चम्मच बेसन और चौथा हमें चाहिए गुलाब जल। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके एक पेस्ट जैसा बना लेना है और उस पेस्ट को हमें हमारे चेहरे पर अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है। जब वो अच्छी तरह से अप्लाई हो जाए तो उसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमें सूखने देना है और सूखने के बाद हमें ठंडे पानी से अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। अगर आप इसे हर दिन इस्तेमाल करते हो तो आपके चेहरे पर जो पिंपल है, दाग धब्बे है, वो धीरे धीरे से कम होंगे और आपके चेहरे के एक अलग निखार आएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको तीन बातों का और ख्याल रखना है कि आपको अपने चेहरे को बार बार छूना नहीं है। हमारे हाथों में इतने सारे जम्स होते हैं कि जिसके जो हम बार बार छूते हैं तो हमारे चेहरे पर इन्फेक्शन हो जाता है। जब हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, पेन लेते हैं या फिर कहीं पे मेज पे अड़ते हैं या फिर ग्रिल पे अड़ते हैं तो वो सारे जम्स है वो हमारे हाथों में आ जाते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें बार बार हमारे चेहरे को छूना नहीं है। दूसरी बात है कि आप जब भी स्कूटी चलाए, बाइक चलाए या फिर साइकिल चलाए तो आप अपने पूरे चेहरे को अच्छी तरह से ढक के और गॉगल्स पहन के चलाए। इससे क्या होता है कि जो बाहर का जो प्रदूषण है वो आपके चेहरे पर कम पड़ेगा। तीसरा है दोस्तों कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है उसको पिंपल की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो क्या करना है कि गर्म पानी में या फिर आप चाहे तो गुलाब जल में आप कॉटन को भिगोकर अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ लेना है। आपको दिन में कम से कम दो बार ऐसा करना है जिससे आपके जो चेहरे ऑयल है वो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं आएंगे। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको पिंपल से जरूर राहत मिलेगी। तो आप इसे जरूर ट्राई करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना और चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्लीज दबा देना। तो मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छे और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।